हेलो, अभी सुबह के बज रहे हैं 1:20 हो रहा है शायद, एंड मैं चल रहा हूँ ब्रश करने। ब्लॉग स्टार्ट कर दे थोड़ी देर में, पहले मैस में आ रहा हूँ खाना खाने छोले भटूरे, क्योंकि मतलब भाई अभी 1:50 हो गया, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा यार वहाँ से। मेरा फेवरेट छोला भटूरा यार, तो ब्लॉग स्टार्ट कर दें छोला भटूरा खाने के बाद। मेरी तरफ से तुमको 5 रुपये मिलेंगे जो कि रूम में मिलेंगे। सो, अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस आकाश फ्रॉम आईटी बॉम्बे। आकाश ही ना पक्का मेरे आधार कार्ड में ने। हे गाइस, दिस आकाश जसवाल फ्रॉम आईटी बॉम्बे। रुको, मैं आधार कार्ड देख लेता हूँ पहले यार। हाँ, तो हुआ ऐसा था कि मतलब मैं भाई अपना नाम भूल गया, मतलब एग्जाम की इतनी टेंशन कि अपना नाम भूल गया था मैं। एंड अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं यही टी शर्ट बार बार क्यों पहनता हूँ, तो मुझे एक अलग कहानी है, फिर बताऊँगा आपको। अभी मैं चल रहा हूँ CCR पढ़ने के लिए। मैं ये तो बताना भूल गया कि ब्लॉग है किस टॉपिक के ऊपर। तो ब्लॉग इस टॉपिक के ऊपर है कि अभी हमारे चल रहे हैं मिड सेम, तो मिड सेम में कैसा जाता हमारा दिन, बस यही देखने को मिले आपको बेसिकली, है ना। बाकी मज़ा बहुत आएगा। बाकी मैं चल रहा हूँ CC, आप रास्ते को इन्जॉय करिए। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, नीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की, तुझे भी मुझे भी फिर क्यों। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का बिगेस्ट इवेंट RM 2024, जो कि अनअकैडमी ने 7 अप्रैल को 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में सेलिब्रेट किया था। मैं क्या आपके लिए थे बहुत ढेर सारे रिवील जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ, उसके साथ आए थे बहुत बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि कार्तिक आर्यन, करण जौहर, अनुपम मित्तल, ट्रिगर्ड इंसान। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी बात करते हैं कि आपके लिए रिवील्स क्या क्या थे। अनअकैडमी का एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो होता है वो होता है 40 GB का, मतलब 40,000 कम। लेकिन अगर आप अभी जाके सब्सक्रिप्शन बाई करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 4999 में। हाँ, ये बहुत कम प्राइस है। ना आपको पता होगा कि अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप कोई भी बैच को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी एजुकेटर से जाके पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए। तो आप देर बिल्कुल मत करिए, जल्दी से आके ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऑफर जो है ये है सिर्फ 14 अप्रैल तक। तो उससे पहले अगर बाई कर लीजिएगा, वरना फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी बात करते हैं 2025 और 2026 के। तो 2025 और 2026 के अनअकैडमी ने लॉन्च किया बहुत ढेर सारे बैचेस, जैसे कि निम्बस हुआ, नेक्सस हुआ, फोनिक्स हुआ, जिसमें कि क्लासेस 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसके साथ ही आपके लिए कुछ बैचेस और भी है, जैसे मार्क्यू, फॉलकॉन, स्विफ्ट, जिसमें कि आपको ऑफलाइन के एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अभी सारे बैचेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, मतलब जितने बैच कोड आपको आप यहाँ के पढ़ाएंगे नीट, IIT, JEE का, आपको सबका सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। एंड हाँ, आने वाले समय में भी जो कोई भी बैच लॉन्च होगा, जैसा कि फास्ट ट्रैक बैच हुआ या ड्रॉपर के लिए जो भी हुआ, आप कोई भी बैच का एक्सेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको कोई भी बैच जो भी लॉन्च होगा या जो भी है, आप किसी भी एजुकेटर से जाके पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है ना कि आपको इसमें अनलिमिटेड डीपीपी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड PYQ मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, एंड आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत होती है भैया डाउट नहीं क्लियर हो रहा, तो अनअकैडमी ने इसका भी सलूशन लिया है। आपके लिए डाउट क्लियर सेशन होंगे, जिसमें कि आप जाके जो आपके छोटे से छोटे डाउट जो आपके कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में जाके आगे चल के दिक्कत बन सकती है, आप जाके क्लियर कर सकते हो। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आई है, आप इंडिया के किसी भी अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेते हैं तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा। तो आप ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं रही कि आप ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो आप ऑफलाइन जाके कर सकते हैं आराम से। अब बात है कोर्स बाय कहाँ से करना है। कोर्स बाय करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, IIT JEE के भी दे रखा है, नीट वाले के भी दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं CC बिल्डिंग के लिफ्ट में, एंड अभी चल रहा हूँ ऊपर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। वंस अगेन हेलो, आप पूछोगे CC आप सेव करने आते हो ना? भाई बिल्कुल सेव करने गया था,
ये जो वीडियो है एक दिन बाद का है, मतलब क्या होता है कि मिड समर के टाइम पे हमारा रोज का शेड्यूल सेम ही होता है तो कुछ फ़र्क नहीं होता। कल मेरी हेल्थ खराब थी थोड़ी सी, मतलब मेरे को थोड़ा फीवर था इसलिए मैं कल शूट नहीं कर पाया, इसलिए आगे का पार्ट जो है वो आज से मैं शूट करूँगा। तो देखो अभी मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ के आया, मतलब कल का ही बता रहा हूँ, कल का प्रोबेबिलिटी पढ़ के आया। प्रोबेबिलिटी भाई मैंने 11 12th में खास कर पढ़ी नहीं थी। अभी मेरी डिप्रेशन लेवल जो है ना भाई, मतलब अगर हाइट एच लिया जाए तो लिमिट 10 to -infinity ले सकते हो, मतलब इतना डिप्रेस हूँ मैं, क्योंकि यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हूँ। कल मॉर्निंग 11:30 से उसका एग्ज़ाम है, मोस्टली अभी जो बचे हुए टाइम 22, मतलब बहुत कम टाइम बचा हुआ, इतना समझ लो क्योंकि सोना भी है आज रात को, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सोया नहीं अच्छे से, तो सोना भी है। एंड प्रोबेबिलिटी का एग्ज़ाम तो भाई क्या ही बोलूँ। अब देखिए अभी सूरज ढलने वाला है, एंड जब मैं डिप्रेस होता हूँ, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ के डिप्रेस हुआ हूँ मैं, तो मेन बिल्डिंग के सामने आता हूँ एंड कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ भाई। मतलब इधर बिल्कुल आप देख सकते हो, इधर बिल्कुल खुला हवा चलता रहता है एंड इधर बैठ के चाय पियो या कुछ भी करो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी स्नैक्स कर लिया एंड अब मतलब सीसी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार सीसी आने जाने में कम से कम 20 मिनट बाद होता है और खाना भी खाना है, तो अभी जा रहा हूँ रूम पे पढ़ूंगा एंड फिर रूम पे पढ़ के 8 बजे तक फिर खाना खा के फिर लेक्चर हॉल निकल दूंगा। मैं आपको बता दूँ तो मिड सम के टाइम पे लेक्चर हॉल रात के मतलब रात के नहीं सुबह 6 बजे तक खुले रहते हैं, तो हम लोग मोस्टली लेक्चर हॉल में बैठे पढ़ते हैं। तनीश, अरे मेरे एक्स के शादी में खाना खाने की प्रोबेबिलिटी क्या है यार? हाँ ना भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन उसके शादी में खाना खाना है भाई, और 2 रसगुल्ले खाऊंगा। 2 रसगुल्ले तो मेरे पास भी तो गाइस मेरा ये फोन क्लीन हो गया एंड मैं आपको कुछ बताता हूँ, मतलब फोन दिखा नहीं तो मैं फ्लेक्स बिल्कुल फ्लेक्स नहीं मारूंगा, मैं डाउन टू अर्थ बन रहा हूँ, डाउन टू अर्थ। सो ये जो मेरा फोन है X2, ये मेरा सबसे पहला फोन है जो कि मेरे भैया ने दिया था। ओह मेरे को गाइस मारने की, क्या देख लो गाइस मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है मेरा फोन छीनने के लिए।